नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल टेक्निकल विद इंटरटेनमेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने मोबाइल में कैसे दो व्हाट्सएप अकाउंट आप चला सकते हैं। आजकल स्मार्टफोन आ रहे हैं जो कि जिसमें दो सिम पड़े रहते हैं, तो क्या होता है कि आप एक सिम से व्हाट्सएप तो चला लेते हैं, लेकिन बहुत लोग का ज़रूरत पड़ती है कि वो चाहते हैं कि दो सिम है तो दोनों सिम से मेरा व्हाट्सएप चले, मतलब दो व्हाट्सएप चलाना चाहते हैं एक मोबाइल में। तो आपका मोबाइल यदि डुअल सिम है, दो सिम पड़े हुए हैं आपके स्मार्टफोन में, तो आप दो व्हाट्सएप अकाउंट चला सकते हैं। तो इसी के बारे में आइए आज हम सीखते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें, और इस वीडियो का जो लिंक है ना, उसको जितने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक, व्हाट्सएप और जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, उस पर इस वीडियो का लिंक को ज़रूर से शेयर कीजिए, ताकि और भी जो लोग हैं उनको मालूम चल सके, ताकि उनको भी पता चल सके चीज़ें कि कैसे वो भी इसका यूज कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं और सीखते हैं कि कैसे दो व्हाट्सएप अकाउंट एक मोबाइल पर चल सकता है, एक स्मार्टफोन पर यूज कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में क्या है कि दोस्तों, आप यहाँ जो सेटिंग में ऊपर जो सर्च बॉक्स है ना, यहाँ सर्च बॉक्स में अलग अलग मोबाइल फ़ोन में, अलग अलग स्मार्टफोन में अलग अलग चीज़ें यहाँ पे सर्च करनी पड़ती है। लाइक जैसे कि यदि मैंने मेरे पास या आपके पास रेडमी वगैरह है, शाओमी के मोबाइल है, तो उसके लिए आप डुअल ऐप यहाँ पे सर्च करेंगे। डुअल ऐप, DUAL, देखिए नीचे आ गया ना सेकंड नंबर पे, डुअल ऐप्स। इसमें शाओमी या रेडमी है तो उसमें डुअल ऐप्स, और नहीं तो यदि आपका अदर जैसे LG का मोबाइल है या सैमसंग का या किसी अदर कंपनी का है, तो उसमें आप सेटिंग में जाने के बाद से सर्च करेंगे या सेटिंग में जाके देखेंगे, वहाँ पे आपको ट्विन ऐप करके वहाँ पे होता है। अलग अलग मोबाइल में अलग अलग तरीके से होता है, तो उसमें ट्विन ऐप करके होगा, और नहीं तो एक ऐप वगैरह, इसके लिए ऐप भी आते हैं, जैसे कि इसके लिए आता है क्लोनर, आता है ऐप क्लोनर, उसका यूज करके भी आप कर सकते हैं। तो अलग अलग फ़ोन में अलग अलग तरीके से इसको होता है, सर्च करना पड़ता है। तो यहाँ मेरा जो मोबाइल है वो शाओमी का है, रेडमी का है, तो रेडमी के मोबाइल में डुअल एप्स करके इसकी सेटिंग पड़ी होती है। यदि आपके पास दूसरा मोबाइल है, दूसरे किसी ब्रांड का या कंपनी का मोबाइल है, तो उसके लिए आप ट्विन ऐप करके सर्च कर सकते हैं। फिर भी यदि आपको नहीं आपको सेटिंग मिलता है, तो आप मेरे जो चैनल है या मेरा जो वीडियो है, इसके नीचे एक कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको सर्च करके बता दूंगा कि आपके मोबाइल की सेटिंग क्या है। तो आइए देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो देखिए दोस्तों, हम दूसरे नंबर पर जो डुअल एप्स करके हैं, इसके अंदर जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। डुअल एप्स पे मैंने इसको क्लिक कर दिया। देखिए यहाँ पे डुअल एप्स में आप व्हाट्सएप के अलावा भी और भी जितना जो ऐप हैं उनको भी आप दो दो ऐप यूज कर सकते हैं, देख रहे हैं। तो हमें व्हाट्सएप का दो व्हाट्सएप यूज करना है, दो व्हाट्सएप का, तो हम क्या करेंगे, इसको ऑन करेंगे। देखिए राइट साइड में यहाँ पे ऑफ ऑन का बटन है, तो व्हाट्सएप के सामने के बटन को हम ऑन करेंगे। देखिए हमने ऑन कर दिया क्लिक करते ही, और ये स्टार्ट हो गया प्रोसेस क्रिएटिंग डुअल एप्स। थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ी देर तक आपको वेट करना पड़ेगा। देखिए आइकन एडिट, देखिए हम बाहर आते हैं, क्या करेंगे, सेटिंग से हम बाहर आ जाएंगे। हम सेटिंग से डायरेक्ट बाहर आ गए, फिर यहाँ पे देखेंगे। देखिए यहाँ पे मेरा, देखिए यहाँ पे व्हाट्सएप लिखा हुआ है, और एक देखिए यहाँ पे, यहाँ होम स्क्रीन पे भी एक व्हाट्सएप का आइकन बना हुआ है, नीचे क्रोम के बगल में, नीचे आप देख रहे हैं ना व्हाट्सएप का ये बना हुआ है, एक ये है और एक यहाँ पे है। तो जो मेरा कॉपी, जो कि जो दूसरा वाला क्रिएट हुआ है, उस पर एक छोटा सा, देख रहे हैं व्हाट्सएप पे, ऐसा छोटा सा आइकन बना हुआ है येलो रंग का, तो ये दूसरा वाला एक जो क्रिएट हुआ वो वाला है। तो आइए हम इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन कर दिया, इसी तरह आपके भी मोबाइल में दो आइकन ऐसे बन जाएंगे, तब दूसरे वाले आइकन को क्लिक करके उसको ओपन करेंगे। देखिए ओपन करने के बाद से
एग्री एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे, नीचे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे नीचे एग्री एंड कंटिन्यू, इस पर हम क्लिक करेंगे। फिर इसको हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फिर ये मांग रहा है आपसे कॉन्टैक्ट का, जो भी कॉन्टैक्ट आपके फ़ोन में पड़ा हुआ है उसका परमिशन, उसको एक्सेस करने का परमिशन मांग रहा है, इसको हम अलाउ कर देंगे। फिर यहाँ पे फोटो मीडिया और फाइल एक्सेस करने के लिए परमिशन मांग रहा है, इसको भी हम अलाउ कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, जिस नंबर, जो दूसरा नंबर है जिस नंबर से आप चलाना चाहते हैं इस या व्हाट्सएप अकाउंट को, वो मोबाइल नंबर मांग रहा है, तो उसका मोबाइल नंबर हम देते हैं। जैसे कि मैंने अपना मोबाइल नंबर दे दिया, ऐसे डमी मेरा मोबाइल नंबर है 34 89। देखिए हमने अपना, आप मैंने अपना नंबर दिया है, आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे देंगे कि जिस नंबर से, मोबाइल नंबर से आप चलाना चाहते हैं, दूसरा वाला जो आपके पास नंबर है वो नंबर यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको देना होगा, मेरा वाला कॉपी मत कर दीजिएगा। तो उसके बाद से हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। वी विल बी वेरीफाइंग द फोन नंबर, इज दिस ओके आर वुड यू लाइक टू एडिट द नंबर, ओके ओके पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे एक पॉपअप आया, फिर इस पर हम कंटिन्यू करते जाएंगे, जो भी मांगेगा अलाउ करते जाएंगे। हमने अलाउ कर दिया, खुद ब खुद इसको वेरीफाई कर लेगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस जो भी परमिशन मांगता जाए उसको आपको अलाउ करते जाना है। प्लीज़ प्रोवाइड योर नेम एंड ऑप्शनल प्रोफाइल फोटो। हमने नेम दे दिया, हमने ऐसे दे दिया कुछ, नेम देने के बाद हमने इसको ओके कर दिया। और देखिए मेरा ये दूसरा व्हाट्सएप अकाउंट क्रिएट हो चुका है, स्टार्ट ए चैट। देखिए मेरा दूसरा, अभी हमको किसी को, किसी के साथ हम करना है चैटिंग का, हम कोई भी एक ले लेंगे। देखिए अब यहाँ से हम चैटिंग का अपना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा दूसरा अकाउंट क्रिएट हो गया। अब जिससे हमें चैट करना है, इस जो आप ग्रीन रंग का जो देख रहे हैं नीचे आइकन, यहाँ से आप जाके कॉन्टैक्ट में जाके सेलेक्ट करके आप उससे चैट कर सकते हैं। तो इस तरह से कि आप दो अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, दो व्हाट्सएप ऐप आप एक फ़ोन में, एक मोबाइल में आप दो व्हाट्सएप अकाउंट यूज कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों इसके बाद भी यदि आप चाहते हैं किसी टॉपिक को, मतलब कोई आपके मन में आइडिया है, कोई आइडिया है कि नहीं हमें ये चीज़ें सीखनी है, तो उस पर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि इस चीज़ पे आप कोई वीडियो बनाइए, हम उस टॉपिक पे वीडियो बना देंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, और कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आप सोशल मीडिया पर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।